कुछ मीटिंग होती है देश की, जो भी डिस्कस होता है वो इधर ही होता है। जवानों का जाने का रास्ता बताए, जो अंदर एंट्री होती है वो इधर से अभी हो रही है। हे गाइस, कैम छो। तो आज हम लोग आ गए, आप लोग देख सकते हो बैकग्राउंड में संसद भवन, पार्लियामेंट हाउस पुराना वाला, ठीक है। सो ये हम लोग घूमते घूमते आ गए थे, हम लोग को पता नहीं था, बट हम लोग आने का इधर था नहीं, पर हम लोग आ गए तो फिर इधर का भी सोचा कि वो लोग बना ले। तो इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, मैंने भी काफ़ी न्यूज़ में ये सब देखा हूँ, प्रधानमंत्री लोगों की बैठक यहाँ पे होती है, जो भी कुछ मीटिंग होती है देश की, जो भी डिस्कस होता है वो इधर ही होता है। ये मैंने अपना पुराना है ये संसद भवन, अभी जो एक नया बना है, ठीक है। और वो लोग बनाने की परमिशन ली है, वो लोग बनाने का परमिशन दे दी हम लोग को, पूछे थे कहाँ से है, हम लोग बोले गुजरात से, अहमदाबाद से, तो हम लोग को परमिशन दे दी है वैसे तो। और काफ़ी सारे पॉलिटिशियन यहाँ पे आ रहे हैं, और काफ़ी सारे पुलिस वाले, आर्मी वाले आ रहे हैं, ऐसा डर तो लग रहा था, बट परमिशन ले लिया, अभी टेंशन हट गया हम लोगों को। तो कंप्लीटेड 18 फरवरी 1927 को बता रहे, ये ओपन हुआ था 18 फरवरी 1927 को, तो ये अभी तक चल रहा है। इसको संसद भवन पार्लियामेंट बोलते हैं पुरानी, ठीक है, ओल्ड पार्लियामेंट। बाकी सब आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसा हम न्यूज़ वगैरह में देखते हैं तो वैसे टाइप का हैगा। ये तो गेट बंद है, आप देख सकते हो उस टाइप का बैकग्राउंड में मेरे, इधर पूरा गार्डन दिया हुआ है। यहाँ से जवानों का जाने का रास्ता बताए, जो अंदर एंट्री होती है वो इधर से अभी हो रही है। यहाँ से जो भी पॉलिटिशियन और जो भी अपने पुलिस वाले, आर्मी वाले, इंडियन आर्मी जो भी है, वो सब यहाँ से जाते हैं। आप लोग देख सकते हो उधर भी सब खड़े आर्मी वाले। ये ऐसा लग रहा है कि मैं कोई एंकर हूँ टीवी वाला, न्यूज़ वाला, वैसे रिपोर्ट कर रहा, बट अच्छा लग रहा है कि मैं फर्स्ट टाइम इधर आया। न्यूज़ में देखता था कि कुछ न्यूज़ रिपोर्टर वगैरह करते हैं, आज मैं खुद कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वो भी मैं ब्लॉग बना रहा हूँ उसके ऊपर, एक न्यूज़ रिपोर्टर नहीं, फिर भी मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, मुझे परमिशन भी मिल गया तो मुझे अच्छा लग रहा है गाइस। बट आप लोग देख सकते हो ये सत्यमेव जयते का एक लोगो इतना बड़ा लगा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ से रास्ता है डायरेक्ट, यहाँ से पॉलिटिशियन वालों की गाड़ियाँ जाती है। एक ये गेट है, एक वाला गेट है, दो गेट है, और मेरे ख्याल से अभी गेट बंद कर चुके हैं, वाला गेट अभी चालू है। अभी देखते आप लोग देख सकते हो जो गाड़ियाँ आ रही है, ये सब पॉलिटिशियन और यहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियन है वो लोग आ जा कर रहे हैं। अब इससे पहले मीटिंग थी, हम लोग को बोले 10 मिनट आप लोग को, उसके बाद फिर ब्लॉग बना सकते हो, परमिशन तो दे दिए। तो कुछ मीटिंग थी, काफ़ी सारे मैंने देखा कि पॉलिटिशियन जा रहे थे, पर वो टाइम हम लोग वीडियो बना नहीं सकते थे, इसके लिए हम लोगों ने वीडियो स्टॉप करे थे। अभी वो लोग सब चले गए, पुलिस वाले सब लोग चले गए, उसके बाद अब वीडियो बना रहे हैं। तो अभी वैसे भी सही है, रात का टाइम अच्छा लग रहा है, आप लोग देख सकते हो लाइटिंग वगैरह कितनी प्यारी है, काफ़ी ऊपर उठा चुकी है, वहाँ तक का स्टेशन आप देख सकते हो। और एक नया पार्लियामेंट अभी बना है, मोदी साहब ने बनाया, पता होगा आपको, ये पुराना है। लाइक तो मैंने आपको व्लॉग में बताया था ना गाइस कि ये टिकट हम लोग ने लिए थे केंद्रीय सचिवालय। तो अगर आपको इधर आना है, मेरे का व्लॉग अच्छा लग रहा है, आपको भी यहाँ पे फोटो वीडियो बनाना है, रील वगैरह भी बना सकते हो आप, वो फोटो भी अपना एक पिक ले सकते हो, तो आपको केंद्रीय सचिवालय मेट्रो से आना है यहाँ तक, फिर यहाँ से आप बाहर निकलोगे एक नंबर गेट से, एक नंबर गेट से आप बाहर निकलोगे ना तो डायरेक्ट ये पार्लियामेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। पर एक बार परमिशन लेके आप फोटो या वीडियो बनाना, हाँ यहाँ रिस्की है, तो हम लोग को भी परमिशन लिए, उसके बाद ही अलाउड नहीं था, बट हम लोग ने बताया थोड़ा बहुत कि भाई यूट्यूब की थोड़ी वीडियो बनाना है, तो हम लोग को परमिशन मिले, वो भी एक टाइम बाद, थोड़ा हमने वेट करा, उसके बाद एक परमिशन मिली, ठीक है गाइस। तो अगर आना तो डायरेक्ट फोटो वोटो में रील बना लेना, वो अपनी तो फिर पुलिस आपको पकड़ लेगी, तो इसके लिए रिस्की है। वो बिल्डिंग वॉज डिजाइन बाई ब्रिटिश अचीवमेंट प्रोजेक्ट एडवर्ड लुटवेंस एंड हर्बर्ट बेकर एंड वॉज कंस्ट्रक्शन बिटवीन 1921 से 1927 बैंड ओपन January 1927 द सीट ऑफ द कैंटोनमेंट्स। तो ये ब्रिटिश के लोगों ने बनाए हुए ये बिल्डिंग की डिज़ाइन करी हुई आप पार्लियामेंट के आप दे सकते हो, उसका मैंने नाम जो आपको बताया वो भी नाम हैगा पूरा। दोस्तों आप मेरे पीछे रोड देख सकते हो, आपको दिख रहा है ऐसे डायरेक्ट संसद भवन जाने के लिए रोड है, और यहाँ से परेड भी होती है, परेड तो आपको पता होगी ना, परेड यहाँ से होती है जो 15 अगस्त 26 जनवरी होता है ना, तो यहाँ पर परेड लगती है, ठीक है। तो यहीं से मेन लगती है, यहाँ से सब कुछ पॉलिटिशियन यहीं पर आते हैं, यहाँ से जितने भी हमारे आर्मी है, इंडियन आर्मी पुलिस वाले जितने भी है, दिल्ली पुलिस वाले, तो लोग यहीं से सब करते हैं ये परेड। तो ये भी आप देख लो, ये मेन है एरिया, हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ भी सब चेक ही कर रहे हैं, नहीं सकते अभी तो, फिर भी एक बार परमिशन लेंगे क्योंकि यहाँ पे अभी ब्लॉक कर चुका है, क्योंकि ये अभी एंट्री मेन ये है, ये गेट बंद कर चुका है, ये मेन एंट्री यहाँ से जाने की है। सो गाइस ये पार्लियामेंट के सामने आप लोग देख सकते हो एक गार्डन बनाया हुआ है,
ऐसे ही, इससे क्या है ब्यूटी बढ़ जाती है, ठीक है। और ये पीछे अपने पार्लियामेंट आप देख सकते हो, पुराना संसद भवन मेरे। ये सब जो गाड़ी जा रही है सब पॉलिटिशियन वाली जा रही है, देखो सब चेकिंग होके जा रही है, तो पूरा बॉर्डर बनाया हुआ है। इधर तो हम लोग नहीं जा सकते, इधर अलाउड नहीं है क्योंकि पॉलिटिशियन जाते हैं ना, तो हम अपने आम इंसान लोग नहीं जा सकते। ये भी फिर भी इतनी परमिशन मिल गई, अच्छी बात है। वो अभी फिर भी हमारे को सर बोल देते हैं कि थोड़ा ध्यान से बनाना, तो मैं बोला हाँ परमिशन मिल गई, इसके हिसाब से हम लोग बना रहे हैं। अभी डे नहीं नाइट है, फिर भी आपको व्यू इतना नहीं अच्छा लगेगा, फिर भी जितना हो सकता है मैं आपको बता रहा हूँ। आप देख सकते हो पीछे स्टेचू भी दिख रहे हैं, ठीक है। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो हम लोग अब इसके बाद जाने वाले इंडिया गेट, अब इसके बाद इंडिया गेट का वीडियो बनाने वाले वो लोग बना रहे, तो मैंने वही बोला था आपको पूरा हम लोग दिल्ली एक्सप्लोर करेंगे, तो मिस मत करना, ठीक है। और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, सपोर्ट करना, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।